सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ECRS को समझ लेते हैं। और जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ECRS इज अ लीन टूल टू इंक्रीज वैल्यू एडिशन थ्रू वेस्ट एलिमिनेशन। हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग फ्लो है या हमारा जो भी प्रोडक्शन फ्लो है, उसमें हम स्टेप वाइज छोटे छोटे जो हमारे सीक्वेंस है उनको हम वेरीफाई करते हैं इस बात के लिए कि उसमें कोई वेस्ट तो नहीं है। उस वेस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं सो दैट कि वैल्यू एडिशन हम इंक्रीज कर पाए एंड अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर पाए, अपनी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाए एंड अपने बिजनेस में प्रोफिटेबिलिटी को एड कर पाए। सो फ्रेंड्स, अब ECRS को हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि किस फ्लो में हम किस तरीके से ECRS को इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ई की अगर हम बात करें, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, सी मींस कॉम्बिनेशन, आर मींस रीअरेंजमेंट्स एंड द लास्ट वन एस मींस सिंप्लीफिकेशन। सो फ्रेंड, जैसे हमने बात की ECRS जो लीन टूल है उसे हम सीक्वेंस वाइज अपने प्रोसेस फ्लो में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई दैट वर्क विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड कैन बी एलिमिनेटेड इजिली विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन रेट। हमारे प्रोसेस फ्लो में हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि वैल्यू एड नहीं कर रही है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तो क्या उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन रेट को अफेक्ट किए बिना। यानी कि हमारा प्रोडक्शन रेट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें एलिमिनेशन स्टेप में ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन में अगर हम जाते हैं तो व्हेन वर्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड देन ट्राई टू मर्ज विद अदर स्टेप। अगर हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस एक्टिविटी को हम दूसरी एक्टिविटी के साथ मर्ज कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लो है वो बैलेंस हो पाए। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज और चेंज द वर्क फ्लो टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी। फ्रेंड्स, अब हमें ये फोकस करना है कि हमारा जो सीक्वेंस है, जो हमने अभी तक डिफाइन किया है, जिस सीक्वेंस में हमारी प्रोसेस चल रही है, क्या वो सीक्वेंस को और बेहतर किया जा सकता है। उस सीक्वेंस को चेंज करके क्या हम अपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो हम फास्ट करें, चाहे हम वो इजी उसे कर दें, या फिर वो और सेफ हम कर दें। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें देखना है कि हमारा जो प्रोसेस फ्लो है उसको और बेहतर बना के क्या और एवेल्युएशन हम अपने प्रोसेस फ्लो में कर पाए। फोर्थ स्टेप को अगर हम देखें, सिंप्लीफिकेशन, मेक द वर्क फ्लो इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट विद द हेल्प ऑफ गुड इक्विपमेंट्स, फिक्चर्स, टूल एंड टेम्पलेट्स। तो हमारा जो प्रोसेस फ्लो है उसमें हमें ये देखना है कि उसको कितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सो दैट वो इजिली किसी को भी अंडरस्टैंड हो पाए एंड इजिली कोई भी उस प्रोसेस फ्लो को परफॉर्म कर पाए, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। एंड इसके लिए हम फिक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो फिक्चर ऑपरेटर फ्रेंडली हो, कोई भी ऑपरेटर फिक्चर के ऊपर काम कर सके, टूल इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या अच्छे इक्विपमेंट्स या टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन हम यूज कर सकते हैं सो देट कि हमारी जो प्रोसेस फ्लो है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू वर्क हो पाए। सो फ्रेंड, इस तरीके से ECRS जो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम स्टेप वाइज अपने प्रोसेस फ्लो में, अपने मैन्युफैक्चरिंग फ्लो में एवरी स्टेप को वेरीफाई करते हैं कि जो वेस्ट है वो एलिमिनेट किया जा सके, हमारी जो एक्टिविटी टाइम है वो कंबाइन की जा सके, हमारा जो सीक्वेंस है उसको रीअरेंज करके और बेहतर बनाया जा सके एंड हमारी ओवरऑल जो प्रोसेस है, जो हमारे वर्क सीक्वेंस हैं, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके सो दैट हमारी ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लो है वो लीन की तरफ मूव कर सके एंड हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर सके। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ECRS स्टेप्स प्रॉपरली। सो प्लीज गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल सजेशन टू इम्प्रूव अवर ट्यूटोरियल क्वालिटी। And if you like our video, so please like and share in your circle. We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best practices in manufacturing.